मध्य प्रदेश नगर सेना के सैनिक के पद पर चंद्र नगर थाना में पदस्थ संजय सावरे जो कोरोना योद्धा के रूप में आज देश सेवा के साथ ही ऑपरेशन स्माइल के नाम से एक अभियान विगत 5 वर्षों से चला रहे हैं। इसके तहत गरीब परिवारों के बच्चों के लिए हर सप्ताह उनकी टीम इन्हें शिक्षा के लिए जागरूक करती है। SW24 न्यूज़ की टीम ने आज उनसे एक खास मुलाकात कर इस अभियान के बारे में पूरा बात समझी। संजय ने बताया कि यह अभियान गरीबों और उनके परिवार के हित में चलाया जा रहा है। इस अभियान में उनके साथ 14 लोगों की टीम है जो दिन रात इस कार्य में लगी है। गरीब परिवारों के बच्चों के लिए हर सप्ताह उनकी टीम इन्हें शिक्षा के लिए जागरूक करती है। कोरोना महामारी के चलते जो मजदूर पलायन करके अपने घर की ओर जा रहे थे उनके लिए उनकी टीम दिन रात सेवा में लगी हुई है। पिछले दिनों इनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा में आया था। इंदौर से कैमरामैन मंथन के साथ राकेश सच्चर की रिपोर्ट। क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम संजय सावरे। सर कहाँ पर अभी आपकी पदस्थापना? मैं वर्तमान में थाना चंदन नगर में हूँ और मध्य प्रदेश नगर सेना में सैनिक के पद पर पदस्थ हूँ। सर विगत दिनों से सोशल मीडिया पे आपका एक ऑपरेशन स्माइल नाम का एक वीडियो चर्चित हो रहा है, तो ये ऑपरेशन स्माइल क्या चीज़ है ये? सर ऑपरेशन स्माइल एक छोटी सी पहल है। इसका उद्देश्य जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जो बच्चे शिक्षा से वंचित है सर, उन लोगों को शिक्षा के द्वार तक पहुँचाना और उनको शिक्षित करना। ये ऑपरेशन स्माइल कितने समय से चल रहा है? ऑपरेशन स्माइल 5 सालों से चल रहा है और हमारा 5 सालों से यही प्रयास रहा है कि हम लोग जो बच्चे स्कूल के द्वार तक नहीं पहुँचे उनको स्कूल के द्वार तक पहुँचा। और इसमें अभी मेरे साथ लगभग 14 से 15 लोग हैं जो पुलिस विभाग से भी हैं मेरे मित्र और अन्य सिविलियंस भी हैं जो कि अपना बिल्कुल दिल से और इंटरेस्ट के साथ अपना योगदान देते हैं। ये जो ऑपरेशन स्माइल के तहत जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, ये किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है और क्या क्या चीज़ है ये? सर ऑपरेशन स्माइल में लगभग 50 से 55 बच्चे हैं और इनको हर संडे हम 5 सालों से पढ़ा रहे हैं, जिसमें मेरे मित्र हैं संजय गुप्ता, अनिल वेलवंशी जी, धर्मेंद्र भैया और अजब सिंह रावत, वीरेंद्र जी और उसके साथ साथ पुनीत जी, दीपक नीमा जी, राकेश प्रजापत जी, अक्की जी, मोंटी जी और अन्य साथी हैं जो मिलकर अपना सराहनीय योगदान देते हैं। प्रीति मैम और भी हैं, शिखा मैडम, ये सब लोग मिलकर जिनको जैसा समय मिलता है अपने स्तर से समय निकालकर ये सभी बच्चों को अलग अलग तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देते हैं। और लगभग अब तक 53 से 55 बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में उनका एडमिशन हो चुका है और वो बड़े इंटरेस्ट के साथ हर संडे इस क्लास में उपस्थित होकर पढ़ाई करते हैं। आप पुलिस कार्य में तो अपनी देश सेवा कर ही रहे हैं, पर साथ ही साथ सामाजिक कार्य में भी आप आपकी सेवा और अहम भूमिका निभाते हैं, तो किस प्रकार से आप इस समय निकाल के ये कार्य करते हैं? सर मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा है कि मैं जहाँ तक मेरा जितना मेरे अंदर एनर्जी लेवल है और जो भी मुझसे हो सकता है, तो मैं उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने देश के लिए जितना काम आ सकता हूँ तो मैं उतना अपने देश के लिए काम आ सकूँ। विभाग द्वारा आपके किस प्रकार की सहायता की जाती है? सर अधिकारियों द्वारा मुझे बिल्कुल शाबाशी मिलती है और अप्रिशिएट किया जाता है इस काम के लिए और मनोबल बढ़ता है। और विभाग द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति कभी कर ली गई हो? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। लगातार अधिकारियों द्वारा इस काम के लिए अप्रिशिएट किया जाता है और उनसे भी इस सर ये विगत दिनों आपका एक ऑनलाइन सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी चला था जिसमें आप गरीबों की सहायता कर रहे थे, उन्हें खाना खिलाया जा रहा था आपकी ऑपरेशन स्माइल टीम द्वारा। सर जब भी समय मिलता है तो हम लगातार ऐसे प्रयास करते रहते हैं कि जिससे जो कोरोना महामारी है इसमें लगातार मजदूरों को बहुत नुकसान हुआ है और वो किसी न किसी तरह से अपना जो भी साधन संसाधन जुटा कर अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम मानते हैं कि हम उनका लंबे सफ़र तक तो साथ नहीं दे सकते, ना ही हम उनको इतने सक्षम है कि हम उन्हें उनके घर तक छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ हम उनके इस सफ़र को मजबूत बनाने में उनका किसी न किसी प्रकार से सहयोग कर ही सकते हैं, जिससे उनके सफ़र को जिस भी तरह से हम आसान बना सकें हम उसको आसान कर सकें। और हम लगातार मजदूरों की जो बसें जो टुकड़ियाँ गुजर रही हैं बाईपास से, वहाँ पर हम जाकर जो हमसे होता है हमारी हैसियत के हिसाब से हम लोग वहाँ पर जाके उनको कुछ ना कुछ योगदान दे रहे हैं। सर देशवासियों के नाम पे किस प्रकार का क्या संदेश देना चाहेंगे आप देशवासियों के लिए? सर देशवासियों के लिए संदेश सबसे बड़ा यही है अभी इस समय में कि आपके आसपास से भी यदि कोई ऐसे मजदूर या ज़रूरतमंद आपके आसपास से परिवार के
पास रहते हों तो उनकी मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि सर ये समय भेदभाव करने का नहीं है और किसी भी चीज़ की घृणा या किसी भी चीज़ की दुश्मनी रखने का नहीं है। जो हो सकता है किसी भी व्यक्ति जो भी आपके आसपास रहता हो और उसको मुसीबत में है वो और उसको परेशानियां हैं, तो मेरा निवेदन है सभी से कि एक दूसरे की मदद करें, यथासंभव जो भी मदद हो सकती है एक दूसरे की करते रहें, ताकि या बीमारी से भी लड़ सकें और उसके बाद जो आर्थिक मजबूरी है उससे भी लोग एक दूसरे का साथ दे के लड़ सकें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप आज कोरोना योद्धाओं के रूप में पूरे देश की और पूरे शहर इंदौर शहर की आप सेवा कर रहे हैं दिन रात, इसके लिए SW24 टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।